1947 से जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ है तब से पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक द्वंद चल रहा है और द्वंद इस बात का चल रहा है कि कौन ज्यादा बेस्ट है, कौन ज्यादा बेहतर है, कौन ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। और इस सर्वश्रेष्ठ की दौड़ के अंदर हिंदुस्तानी काफी आगे निकल चुके हैं। भारत की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। एक और जहां पाकिस्तानी आर्थिक बदहाली से जूझता हुआ नजर आ रहा है। IMF से कर्ज मिलने के बाद भी रुपया गैर मुस्तकम है। अमरीकी डॉलर 235 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। भारत नित नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ता जा रहा है। एक दशक पहले भारत इस सूची में 11वें नंबर पर था और ब्रिटेन 5वें पायदान पर था। इस दौड़ में भारत तो बहुत आगे निकल चुका है लेकिन पाकिस्तानियों को झटके पे झटके लगे जा रहे हैं। अभी 2-4 दिन पहले UAE ने भी कहा कि अगर आपके अकाउंट में 5,000 दिरहम है तब आप पाकिस्तान से UAE आ सकते हो, नहीं तो अपने घर में रहो। और जले पे नमक छिड़कने का काम कर दिया रशिया ने। और पुतिन साहब ने कहा कि हम भारतीयों को जो टूरिस्ट वीजा होता है वो बिल्कुल फ्री करेंगे। इतना सुनना था पाकिस्तानी जल बुन गए। पाकिस्तान के एक पत्रकार है जो पाकिस्तानी पब्लिक के अंदर गए हैं और उन्होंने ये जानने की कोशिश की आखिर क्यों पाकिस्तान को इतनी जलालत मिल रही है और हिंदुस्तान को इतनी शोहरत क्यों मिल रही है, क्या वजह है इसके पीछे। अभी रिसेंटली UAE ने पाकिस्तान पर सैंक्शन लगा दिए हैं और शर्त रखी है कि भाई अगर कोई भी UAE आना चाहता पाकिस्तानी तो उसके अकाउंट में कम से कम 5,000 दिरहम होने चाहिए। और दूसरे नंबर पर अगर हम देखते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया, तो हर एक कंट्री का इंटरेस्ट इंडिया की तरफ बढ़ता जा रहा है। अभी रिसेंटली रशिया ने इंडिया को ये कहा कि कुछ आने वाले टाइम के अंदर हम टोटली जितने भी इंडियंस हैं उनको फ्री एंट्री देंगे, फ्री वीज़ा प्रोवाइड करेंगे कि वो रशिया में आए और काम करें। और अगर मैं दूसरी तरफ देखूँ, दूसरी तरफ हम बात करें तो देखते हैं हम के अमेरिका के अंदर जितने भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में आप देखेंगे इंडियन फाइल्स है, सारे इंडियन कोई CEO है तो कोई बड़ी बड़ी जैसे गूगल, ट्विटर और उसके बाद ये क्या कहते हैं यार इसको, ये फेसबुक, हर एक कंपनी के अंदर। क्या समझते हैं आपके, क्या वजह है पाकिस्तानी और इंडियन में क्या डिफरेंस है? एक्चुअली मेन वजह ये है कि पाकिस्तान हर जगह पर दो नंबर काम ढूंढते हैं। वो कहते हैं कि मेरा काम पैसे देके हो जाए, मेहनत हम कहीं नहीं करनी पड़ती है। जैसे रिसेंटली पूछे अमेजोन का सैलर अकाउंट ओपन हुआ था, अब पाकिस्तान इतने फ्रॉड किए हैं और मोस्ट अमेजोन ने कहा मैंने पाकिस्तान में काम ही नहीं करना। इसके ऑपोजिट मैं बात करता हूँ दुबई की। कल मैं न्यूज़ सुन रहा था 2500 लोग गए हैं दुबई में विजिट वीज़ा पे, अब वहाँ जाके वो गायब हो गए, कोई पता नहीं कहाँ पे गए, पूरे दुबई उनको ढूंढ रही है, उन्होंने पाकिस्तान को वीज़ा देना बंद कर दिया। वाह 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 वाह, क्या टैलेंट है पाकिस्तानी, वाह वाह। और ये चमत्कार सिर्फ पाकिस्तान ही कर सकते हैं, जिस देश में जाते हैं उधर गुम ही हो जाते हैं। अब ऐसे कई काम हो रहे हैं पाकिस्तान का ये मकसद होता है कि दो नंबर तरीके से कहीं पैसा आ जाए। एक हमारे पास काम होता है कि हम मेहनत करते हैं, काम करते हैं, वो हम नहीं करते। मतलब मैं आपका खुद अपनी बात करूँ, मेरा भी यही हाल है, जहाँ मैं कहूँगा ना उधर काम पैसे दे के हो जाए, मैं कहूँगा ठीक है। इसी वजह से हर बंदा कह रहा है पाकिस्तानी फ्रॉड है, पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान ये है। मजा आया। बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस है कि अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि UAE ने पाकिस्तान पर एक और शरायत रखी है कि जो भी पाकिस्तानी UAE आना चाहता है तो उसके अकाउंट में, उसके जेब में कम से कम 5,000 दिरहम होने चाहिए, फिर उसको जाकर UAE में एंट्री मिलेगी, अदरवाइज उसको UAE वाले एंट्री नहीं देंगे। आते तो मैं छोटा सा, मैं अब मेरा दिल ये जारी समझ लो ये है कि क्या वजूहत है कि एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान इंडिया को ज़्यादा प्रेफर क्यों करती है ओवर द वर्ल्ड, क्या नज़र आता है उनको इंडिया में? मैं सबसे पहले समझता हूँ कि हमारा जो तालीमी मेयार है ना यहाँ पे वो इंतहाई घटिया किस्म का। तो कैसा होना चाहिए तालीमी निज़ाम? तालीमी मेयार देखें, आप प्रेप क्लास का बच्चा है, 12 किताबें उसके अंदर है, उसके जब आप सवाल कर लेना तो उसको आता कुछ नहीं है। सही बात। इंग्लिश बोलनी आ जाती है, शायद अगर कोई इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा बहुत अच्छे पंजाब स्कूल में या किसी बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है तो उसको इंग्लिश बोलनी शायद 8वीं के बच्चे को आती है, लेकिन उसको आप उसको ऐसे प्रैक्टिकली कहें कि यार 9 + 9 कितने होते हैं उन्हें नहीं पता। मेरा अपना भाई है, 9th class का स्टूडेंट है, कप लेके आता है, मैंने उससे पूछा शरारत किसे कहते हैं, उसको पता ही नहीं है। वो तो ये तोते वाली बात हुई ना, तोते को रटवा दो कि आपका नाम क्या है, मियां मिठू। अगर तरक्की करनी है सबसे पहले हमारा जो तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसको ठीक करना पड़ेगा, उसके बगैर हम तरक्की नहीं कर सकते। सही बात है। फूड अच्छी नहीं लेंगे, डाइट अच्छी नहीं लेंगे, हमारे पास वीकनेस आएगी, हमारा काम करने का दिल ही नहीं करता। अब हम जहाँ पे मुर्गियों के बाहर गए, कहीं बीमारियाँ आ रही हैं, उसके अंदर के इश्यूज आ रहे हैं, अब वो हमारे अंदर इम्प्लीमेंट हो रही है। अब हम कहते हैं देख लें, आप दूध देख लें, दूध यहाँ पे खालिस नहीं है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। हर चीज़ यहाँ पे कोई भी नहीं, लेकिन ये है जो आपने पाकिस्तानियों की बात की, लेकिन कुछ पाकिस्तानियों ने आके ना सारों का ही कह लेंगे। तो बेसिकली मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या वजूहत है कि इंडियंस को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान,
इंडियंस को, हर एक कंट्री यूएई में देख लो कि पाकिस्तानी की इतनी वैल्यू नहीं होगी जितनी इंडियंस की वैल्यू है। इंडिया वाले को प्रेफर करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में देख लो सारी इंडियंस फाइज है, और हर कोई कंपनी एप्पल देख लो, टेस्ला देख लो, हर कोई कंपनी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने में क्यों इंटरेस्टेड है, क्यों जाती है इंडिया, हमारे यहाँ पर इन्वेस्टर क्यों नहीं आते। पहली बात तो वो फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा यानी कि आपको देते हैं। अब यहाँ पाकिस्तान में वो आएंगे, उनको बिजली का मसला आपके सामने, क्या वो अपने यहाँ पे लगाएंगे प्रोजेक्ट? यहाँ पे गाड़ी की आप कीमत देख लें, ये वैगनआर जैसी गाड़ी देख लें कहाँ पे चली गई है, और इंडिया में देखें आप स्विफ्ट का आप देख लें, बाकी सारी कंपनी देख लें। अच्छा आई थिंक मेरा इशू मेन ये है कि हमारे पास करप्शन यहाँ पे मेन रीज़न है। अब जो बच्चे हमारे पास पढ़ा लिखा टैलेंटेड है वो थोड़ा गरीब घर से है, वो एडमिशन नहीं होता था यूनिवर्सिटी के अंदर, वहाँ करप्शन हो रही है, वहाँ सिफारिशें लग रही हैं, कोई भी अच्छा बच्चा की सीट जाके ले लेता है, और उसके बाद हमारे फैसिलिटीज़ ही नहीं है, फीसिस हमारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज़्यादा हो गई हैं, क्योंकि बच्चे अफोर्ड ही नहीं कर सकते ज़्यादातर बच्चे। अब इंडिया में जो है बंदे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होंगे, काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा आ गई है, हम जो यहाँ पे सेकंड में पढ़ते हैं वो वहाँ पे सिक्स क्लास में वो बुक्स पढ़ते हैं सारी। ये सारा इशू आई थिंक सो एजुकेशन का पाकिस्तान के अंदर, जो कि मेन रीज़न है हमारे पास हर जगह पे। अमेजोन देख लें वहाँ पे है, यूट्यूब देख लें वहाँ पे है, गूगल देख लें वहाँ पे है, और यहाँ पे क्या है, आपके पास अपना है कोई? आप यूट्यूब को कहेंगे वो आपको क्या कहेगा कि भाई अपनी पहले बिजली तो पूरी करो उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे। इंटरनेट तो अपना करो पूरा, आने यहाँ पे इंटरनेट का आए दिन इतना मसला है, सारे फ्रीलांसर्स आपके सामने पिछले दिनों कितना वो बेचारे हो रहे थे जलील। ठीक है, टेक्नोलॉजी की वजह से जो है वो इंडिया को प्रेफरेंस दी जाती है, सो डैट्स वाई इंडिया की एक्सपोर्ट भी जो है वो बहुत ज़्यादा है, इम्पोर्ट भी एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है। आप क्या समझते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया, हर चीज़ से इंडिया को प्रेफरेंस ज़्यादा मिलती है दूसरी कंट्री से, आप समझते हैं कि पाकिस्तान से बेटर है इंडिया? मैं नहीं समझता कभी भी, नहीं बींग अ पाकिस्तानी मैं कैसे कह सकता हूँ कि इंडिया बेटर है, बिकॉज वी आर अ लेजेंड्स। आए हाय लेजेंड तो भैया आप, लेकिन बम फोड़ने के अंदर, आतंकवाद फैलाने के अंदर, दहशतगर्दी करने के अंदर, पाकिस्तान की इज्जत को खराब करने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारे वन एंड ओनली लीडर शहबाज शरीफ हैं, जिन्होंने SCO मीटिंग में बहुत बड़ी दो बातें कही। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो जब खड़े हुए पुतिन के सामने उनकी टांगे कांपने लगी, सेकेंड उनके जो हेडफोन है वो नहीं लगे तो हमारे ऑफिसर आर्मी ऑफिसर ने उनके हेडफोन लगाए। इस बात को लेकर पूरी दुनिया ने हम पे मजाक बनाया, हमारे लीडर पे मजाक बनाया और मीम्स भी बहुत ज़्यादा बनी। शहबाज शरीफ ने दो बातें उस मीटिंग में कही। फर्स्ट बात उन्होंने कही, हम पे बार आई है दुनिया से, मैं मदद मांगता हूँ, हमारी मदद की जाए। सेकंड उन्होंने बात कही कि मैं मानता हूँ, मैं तस्लीम करता हूँ कि पाकिस्तान से टेररिस्ट जाते हैं, इस बात को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, इस टेररिज्म को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, दुनिया से अपील करता हूँ इसमें मेरी मदद की जाए। पाकिस्तान की इन दो बातों के बाद क्या इमेज रहेगी, दुनिया हम पर हंस रही है। तो आप तो महान लीजेंड है भैया, महान लीजेंड। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।